you all are safe and sound at home and doing well. Yes, very good. And kids, you know, we should carry our sanitizer with you whenever we go out and sanitize ourselves. जब भी हम बाहर से अंदर आते हैं हमें हमेशा सैनिटाइजर से अपने हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए और हम सबको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए. ओके और ये नहीं जल्दी से बस वॉश किए और वापस आ गए. एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड आपको अच्छे से अपने हैंड वॉश करने हैं. ओके किड्स, आई होप यू विल फॉलो दिस. यस, वेरी गुड. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. टुडे आई विल टीच यू अ न्यू हिंदी लेटर य. व्हिच लेटर वी विल लर्न टुडे? य. आज हम य करेंगे. ओके, तो नाउ लेट्स सी सम पिक्चर्स रिलेटेड टू लेटर य. य से यो, य से यो. योग हमें रोज करना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है. ओके, मैम आपको कहती है ना डू एक्सरसाइज एवरी डे टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, तो हम सबको योग रोज करना चाहिए. देखो जैसे ये बच्चा कर रहा है ना, दिस गर्ल इज डूइंग योग. तो या से यो, या से यज्ञ, या से यज्ञ. यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है जब हम अपने घर में कोई पूजा पाठ कराते हैं तो उसमें हम यज्ञ करते हैं. ये ऋषि मुनि करते हैं, पंडित जी करते हैं. ओके, या से ज्ञान, या से ज्ञान. ज्ञान जैसे आप बोलते हैं ना हवाई जहाज, एरोप्लेन, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान. या से ज्ञान. ओके, या से याक, या से याक. आपने इंग्लिश में किया था ना वाइफ को याक, ऐसे ही हिंदी में या से याक होता है. ये क्या होता है? ये एक जानवर होता है जो बर्फीले इलाकों में होता है, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, ये वहां पे होता है. जैसे आपके घर के आसपास तो गाय होती है, तो ऐसे ही ये भी एक जानवर होता है जो बहुत ज्यादा ठंडी जगहों में होता है, जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है. और इसके शरीर में बहुत सारे बाल भी होते हैं और कई लोग इसमें बैठ के सवारी भी करते हैं. के सो लेट्स रिवाइज वंस अगेन. य, दिस इज लेटर य. य, या से योग, या से यान, या से याक, या से यज्ञ. ओके, ओके, सो नाउ वी विल राइट लेटर य इन योर हिंदी वर्ब बुक. ओके, सी दिस इज लेटर य and you will do this work on page number 46. Ya, ya se yagya, ya se yak, ya se yodha. Okay, see pictures are shown here also. Yodha, yak and yagya. अब ये योद्धा कौन होते हैं? जैसे soldiers होते हैं ना हमारे जो border में, तो उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? योद्धा. ओके, जैसे पहले जो सेना होती थी राजा महाराजाओं की, उनके जो उनके जो लड़ते थे ना, जैसे सोल्जर्स लड़ते हैं, वैसे ही इनको क्या बोलते हैं? योद्धा. ओके, या से योद्धा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट यू विल मेक अ कर्व. ओके, जैसे रासे रथ के लिए बनाते हैं ना कर्व, बट उसमें क्या होता है, आप स्लांटिंग लाइन करते हो, इसमें क्या करोगे, आप एक और कर्व बनाओगे. ओके, यू विल नॉट पिक अप योर पेंसिल एंड यू विल मेक अनदर कर्व. ओके, सी वन कर्व देन अनदर कर्व टूवर्ड्स अपसाइड, ऊपर की तरफ बनाएंगे, देन स्टैंडिंग लाइन. ओके, सी कर्व
then another curve towards upside, then standing line, then slipping line. Okay, first you will write letter ya and slipping line आप सबसे एंड में डालोगे. ओके सी अ कर्व देन अनदर कर्व देन स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन. ओके सी पहले हमने कर्व किया. जैसे आप खा से खरगोश भी बनाते हैं ना बेटा, पर खा से खरगोश में क्या करते हैं हम ये वाली लाइन टच करते हैं, बट उसमें लाइन नहीं टच कर रहे. ठीक है, देन स्टैंडिंग लाइन एंड देन स्लीपिंग लाइन. पर खासे खरगोश में क्या करते थे, यहाँ पे वा से वर्षा बनाते थे, पर इसमें नहीं बनाना. सो ये ऑलमोस्ट खासे खरगोश के जैसे है ना. सी इसमें लाइन नीचे टच नहीं हो रही और वा से वर्षा नहीं बना रहे, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ओनली स्टैंडिंग लाइन. सी वन कर्व देन अनदर कर्व and standing line then slipping line. Ya, this is letter ya. Ya se yagya, ya se yodha and ya se yak. और मैम ने यान भी सिखाया आपको है ना, ya se yan, ya se yog. So see curve. You will not pick up your pencil. थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे फिर वापिस लाएंगे, then standing line and then slipping line. Okay? So like this you will complete this whole page and take a pic and send it to your ma'am. And always speak while you write. Okay? And ये dotted में है तो ये सब अपने आप करेंगे. Now you are grown up kids. Bye.